हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 16वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 15 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में। आप बोलेंगे, सर ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, कैसे हम इसको केमिकल काइनेटिक्स से लिंक करेंगे? तो बच्चे लोग, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। बेटा, आप लोग को याद होगा, हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग में हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करी थी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल बात करी थी। और मैंने ये भी बताया था बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट में से किसको प्रिफर करते हैं। आप लोगों को याद है बच्चे? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बोलोगे सर हम इंस्टेंटेनियस रेट को प्रिफर करते हैं, याद है? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इसके स्टार्टिंग के वीडियोस देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे ये बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट हम क्या एक एक पॉइंट में निकालते हैं बेटा? एट अ पॉइंट, यस। तो इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं कि हर एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट भी अलग अलग होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। और क्या आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलता है बेटा? यूजिंग टेंजेंट। हम उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते थे बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करते थे। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को पता है? हाँ ठीक है, एक जरा इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं बेटा, ठीक है? तो ये बनाया मैंने ग्राफ, ये बनाया मेरे ग्राफ, और ये रही बेटा मेरी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? अब यहां पे लिख लेते हैं वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस में टाइम, ठीक है बेटा? अब यहां पे मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालता था बेटा? कैसे निकालता था? मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता था, हाँ है ना, और उसके बाद एक यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ करता था, और उसके बाद फाइनली मेरी क्या निकलती थी बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट। इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या निकाल लिया बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटा? बिल्कुल। अब मान लो बेटा कि मुझे इस पॉइंट को छोड़ के मुझे इस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। इस पॉइंट के लिए क्या करूंगा? इस पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, हाँ या ना? फिर से क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि मुझे वहां पे रीजन दे रखा होगा, और उसके बेसिस पे मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकाल पाऊंगा। तो इस पूरे डायग्राम को बनाने का मेरा मतलब क्या था बेटा? तो कॉन्क्लूजन क्या निकला बेटा कि मान लो अगर आपके पास 5 पॉइंट दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन 5ों पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपको 5 अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये बात क्लियर होती है बेटा? अगर यहां पे अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं, मान लो बेटा ये पॉइंट भी कैसे मेरा डिफरेंट पॉइंट्स, तो इन डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आप लगाओगे उसमें 5 डिफरेंट टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए जो आप टेंजेंट बनाओगे बेटा वो अलग अलग आएंगी, हाँ या ना? और बेटा ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है। आप खुद सोच के देखो, अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 पॉइंट हो, तो क्या आप बेटा 100 पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना बेटा? तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिखने में डिफिकल्टी आ जाएगी, और किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने में आपको डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है बेटा? समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 पॉइंट्स हैं, तो क्या आप 1000 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? नहीं करोगे ना बेटा? तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है।
अगर आप बोलोगे सर ये प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उस केस में बेटा जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, यानी कि बेटा मेरी इंस्टेंटेनियस रेट उसको क्या करते हैं बेटा, उसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट। समझ पा रहे हो बेटा? उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास बेटा इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहा हूं मैं यहां पे रिएक्टेंट की, तो ये क्या आएगा बेटा, माइनस डी आर बाय डी टी, यही आएगा बेटा। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम कम होता जाता है। तो अब मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना होगा, तो ये बेटा देखो ध्यान से देखो, ये क्या मैंने एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी है, याद करो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था बेटा कि इस डी का मतलब क्या है बेटा, स्मॉल डी का मतलब है बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन, हाँ है ना। तो इस डिफिकल्टी को, कौन सी डिफिकल्टी को, कि भाई डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कर दूंगा इंटीग्रेट। अब इस इंटीग्रेट करने से मुझे क्या होगा बेटा, इस इंटीग्रेशन से मुझे रिलेशन मिलेगा किस किसके बीच बेटा, इस इंटीग्रेशन से मुझे रिलेशन मिलेगा किसका बेटा, रेट कांस्टेंट का और कॉन्सेंट्रेशन का, मुझे एक रिलेशन मिलेगा किसके बीच बेटा, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन का एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट टाइम्स। तो जो डिफिकल्टी मुझे पहले वाले केस में हो रही थी, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट में, कि हर एक पॉइंट के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करने पड़ रहे थे, तो मैंने क्या करा बेटा, जो इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता है, जो कि मेरा डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है, उसको मैंने क्या किया इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिला बेटा, जो कि मेरा रेट कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे जो के है बेटा, के क्या होता है बेटा मेरा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट, मुझे एक रिलेशन मिला किसके बीच, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे मुझे रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन मिला, ठीक है। और जो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है ना बेटा, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये डिफरेंट होती है रिएक्शन की, जिनके ऑर्डर्स भी डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब मान लो बेटा मेरे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो मेरे पास बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और मान लो मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इन तीनों इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएंगी वो अलग अलग आएंगी बेटा, यानी कि जीरो ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएंगी वो बेटा डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसको भी डिटेल में समझेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाल के देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का निकाल के देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पूरा स्लाइड का आपको समराइज करूं, समराइज क्या था कि हमने जिस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट से स्टार्ट करी थी, मैंने ये बोला था अगर आपके पास ऑप्शन हो टू चूज बिटवीन एन एवरेज रेट एंड एन इंस्टेंटेनियस रेट, यू विल गो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि बेटा हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रेट अलग अलग होगी, इसलिए आप इंस्टेंटेनियस रेट को प्रिफर करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, याद करो बेटा पैट कमिंस का, ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास 1000 पॉइंट्स हैं, तो क्या 1000 पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इस डिफिकल्टी को ओवर करने के लिए जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता है, जो कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माना जाता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या होता है कि हमारे पास एक रिलेशन आता है किसके बीच बेटा, रेट कॉन्स्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच अलग अलग टाइम पे।
इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो इन तीनों ऑर्डर रिएक्शंस का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगा वो भी अलग अलग आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बच्चे मेरे पास है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात हो रही है तो बताओ बेटा यहां पे एन क्या होगा? एन की वैल्यू होगी बेटा जीरो, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, दैट ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी। अगर मैं यहां आपसे बेटा रिएक्टेंट के बारे में बात करूं तो रिएक्टेंट बेटा मेरा यहां क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट होगा मेरा ए। और अगर बेटा यहां पे मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा मेरा यहाँ पे? बी। इसका मतलब ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी। इज दैट क्लियर बेटा? चलो वेरी गुड। उसके बाद देखो एट टी इक्वल टू जीरो सेकेंड, यानी टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? सी नॉट। तो सी नॉट का मतलब क्या हो गया बेटा? सी नॉट का मतलब होगा बच्चे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टी इक्वल टू जीरो सेकेंड, यानी टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? सी नॉट। इज दैट क्लियर? और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? जीरो, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझाया था, ठीक है? अब ये रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ी और टाइम हो गया मेरा टी इक्वल टू टी सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब टी इक्वल टू टी सेकेंड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? मेरी सी टी, ठीक है? तो सी टी का मतलब क्या है बच्चे? सी टी का मतलब भी लिखो बेटा यहां पे। सी टी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक है? यानी टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? सी नॉट। और टी इक्वल टू टी सेकेंड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? सी टी, ठीक है? उसी तरीके से एट टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? जीरो। एट टी इक्वल टू टी सेकेंड पे बी की कॉन्सेंट्रेशन हो गई एम टी। हमने ये सब साइज सपोज करिए बेटा, ठीक है? आप ये मत बोलना सर सी टी क्यों ले लिया, एम टी क्यों ले लिया, आप कुछ और भी सपोज कर सकते हो, ठीक है? और जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा आप डायरेक्टली 16th वाला लेक्चर मत देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो 15 वीडियोस कवर अप करे हैं उसमें मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 वीडियोस देखिएगा उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है बेटा। डिफरेंशियल रेट लॉ कहता है कि बेटा मेरा किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखूंगा मैं? माइनस डीसी बाय डीटी, माइनस डीसी बाय डीटी। और यहां पे डी स्टैंड कर रहा है बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है? और यहां पे बेटा मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट लिखते हैं वो लिखते हैं बेटा रिएक्टेंट के लिए, और हमें पता है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा वो डिक्रीज होता जाता है। ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? और प्रोडक्ट को बढ़ता जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहां पे हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है? तो यहां पे जो सी है बेटा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेंगे बेटा? रिएक्टेंट। और यहां पे रिएक्टेंट क्या है बेटा मेरा? कैपिटल ए। तो इस केस में आपका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा बेटा? रेट विल इक्वल टू माइनस डीसी बाई डी टी। ये क्या बता रहा है मेरा? रेट चेंज इन रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। और यहां पे सी किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा? रिएक्टेंट ए का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी ए बाय डी टी। सी क्या था बेटा यहां पे?
कंसंट्रेशन में चेंज, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज बेटा, रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन में चेंज। इज दैट क्लियर बेटा? ये हो गया मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ। और उसके बाद बेटा मेरा रेट लॉ क्या कहता है बेटा, ऊपर वाला तो क्या था बेटा मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, और उसके बाद मेरा आता है एक रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट विल बी इक्वल टू के क्या बच्चे यहां पे मेरा रेट कांस्टेंट, के क्या बच्चे मेरा यहां पे रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एक्स। यहां पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं इसका मतलब क्या है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन। और यहां पे किसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट ए। यही तो हमारा रेट लॉ कहता था बेटा, रेज टू सम पावर एक्स। एक्स क्या है बेटा यहां पे, यहां पे मेरा ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और यहां पे हमारा केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, यहां पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, जीरो। तो यहां पे x की जगह जीरो पुट करो तो ये आ गया बेटा k इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर जीरो। जीरो क्यों लिया बेटा, बिकॉज इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखो, अब देखो मेरे पास इक्वेशन वन क्या थी बेटा, इक्वेशन वन थी जो कि मेरी कह रही थी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाली, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाली मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। वो क्या कह रहा था बेटा मेरा, वो कह रहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वो होगा बच्चे माइनस डीसी बाय डीटी। यही कह रहा था बेटा, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद मेरा रेट लॉ था बेटा, रेट लॉ मेरा क्या कह रहा था, रेट लॉ कह रहा था मेरा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके बराबर होगा, के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स। और यहां पे एक्स का मतलब क्या था बेटा, एक्स होता था किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। और यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो। उसके हिसाब से यहां पे रेट क्या हो जाएगा आपका बेटा, रेट हो जाएगा के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर जीरो। और यानी कि यहां से रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली के। ऐसा क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो विल इक्वल टू वन। इस हिसाब से आप बोल सकते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर जीरो विल ऑल्सो बी इक्वल टू वन। तो इसको बोल लो बेटा इक्वेशन टू। आप देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का रेट दे रहा है और सेकेंड इक्वेशन भी आपको केमिकल रिएक्शन का रेट दे रहा है बेटा। कंपेयर कर सकते हो बच्चे, चलो कंपेयर करते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो आपने क्या करा बच्चे, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं बेटा। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यानी कि क्या आएगा बेटा, माइनस डीसी बाय डीटी विल इक्वल टू के। ठीक है, आपने क्या करा बेटा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। अब बेटा आपने क्या किया, ये वाला पार्ट क्या है बेटा आपका एलएचएस, और ये वाला पार्ट क्या है आपका आरएचएस। ठीक है, अब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो डीटी से, मल्टीप्लाई एलएचएस एंड आरएचएस बाय डीटी। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चे, देखो आपको दोनों तरफ डीटी से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है बेटा। देखो अब यहां पे डीटी से मल्टीप्लाई, यहां पे भी डीटी से मल्टीप्लाई करो और यहां पे भी आप डीटी से मल्टीप्लाई कर लो। इज दैट क्लियर?
और मैंने क्या बोला था बेटा कि आप हर एक डिफरेंट पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट हमारी टेंजेंट से निकलती है बेटा, और आप हर एक डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उस केस में इस डिफिकल्टी को आप ओवरकम कैसे करते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देते हो, ये करते हैं बेटा। तो मेरा इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है बच्चे, यहां पे अगर मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है बेटा, मेरा ये वाला साइन। तो आप एलएचएस और आरएचएस को इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा, तो ये आपने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो आपने इंटीग्रेशन का साइन भी लगाया तो बेटा आपको लिमिट भी लगानी पड़ेगी। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना बेटा कि यहां पे जो आपने डीसी बाय डीटी लिखा, डीसी बाय डीटी, यहां पे सी क्या था बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा? रिएक्टेंट का, ठीक है। और डी बाय डीटी क्या बताता बेटा मेरा? डी बाय डीटी क्या बताता था बेटा कि उस कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इक्वेशन ध्यान से देखोगे, तो देखो यहां पे बेटा मेरा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है मेरा ए, तो कितना चेंज आ रहा था बेटा? देखो टी इक्वल टू 0 सेकेंड में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? सी नॉट। एट टी इक्वल टू टी सेकेंड ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? सी टी। यानी अगर मैं बात करूं तो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा? उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था सी नॉट, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था उसका सी टी। ये बात सबको क्लियर हो रही है कि सी नॉट से सी टी में जा रहा था बेटा। उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था? सी नॉट, फाइनल कितना हो गया? सी टी। ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो आपको लिमिट कैसे लगानी है बेटा, देखो ध्यान से देखना बच्चे, लिमिट कैसे लगाओगे? लिमिट लगाओगे आप ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहां पे लिखते हो बेटा आप लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर वाले पॉइंट पे लिखोगे बेटा आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात सबको क्लियर हो रही है। अब ध्यान से देखो बेटा, आप यहां से डीटी से डीटी काट सकते हो, बेटा बिल्कुल काट सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे बच्चा, ध्यान से देखना बेटा। माइनस साइन को बाहर लियाओ, आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, अंदर लिखो बेटा आपका डीसी, और इसकी लिमिट क्या थी बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था याद करो प्रीवियस स्लाइड में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? सी नॉट। तो यहां पे बेटा आप लिख दो, आप सी नॉट। अपर लिमिट क्या है बेटा? देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, कितना था बेटा आपका? सी टी, ठीक है। तो यहां पे आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दो, ये आ गया आपका सी टी इज इक्वल टू। अब देखो बेटा मेरा के क्या है बेटा? मेरा के है मेरा रेट कॉन्स्टेंट। के क्या है बेटा मेरा यहां पे? रेट कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट चीजें होती है ना बेटा वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकाल सकते हो आप, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आप वही चीज लगते हो जो विद टाइम वेरी कर रहा हो। तो रेट कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए आप उसको के को बाहर निकाल सकते हो, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और लिख दो बेटा डीटी। डीटी क्या बता रहा है बेटा? डीटी बता रहा है बेटा आपका चेंज इन टाइम, अब इसकी भी लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कैसे लगाओगे बेटा? नीचे लिखोगे बेटा आप इनिशियल टाइम, और ऊपर क्या लगाओगे बेटा? लिमिट फाइनल टाइम। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड्स याद होगी बेटा तो मुझे ध्यान से देख के बताओ यहां पे मेरा इनिशियल टाइम क्या है, टी इक्वल टू 0 सेकेंड, और फाइनल टाइम क्या है? टी इक्वल टू टी सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहां पे मेरा इनिशियल टाइम क्या है, है टी इक्वल टू 0 सेकेंड, आप बोलोगे बिल्कुल सही,
उसके बाद बोलोगे बेटा कि मेरा यहाँ पे फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम है टी इक्वल टू टी सेकेंड। ये बात सबको क्लियर हो रही है? चलो अब देखो, अब यहां पे मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे लगाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना बच्चे। अगर यहां पे मैं इनिशियल टाइम हटा दूं और डायरेक्टली लिमिट लगा दूं, क्या लगाऊंगा बेटा? इनिशियल टाइम कितना था मेरा, टी इक्वल टू 0 सेकेंड, बिल्कुल सही बात। अब फाइनल टाइम की भी लिमिट लगा दो बेटा। फाइनल टाइम की लिमिट क्या थी, टी इक्वल टू टी सेकेंड। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको बच्चे, आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बच्चे। पहले मैं इस चीज को पूरा हटा देता हूं, ठीक है। मान लो बेटा कभी आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, इंटीग्रेशन का साइन डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डीवाई या फिर डी जेड लिख लो, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो साइन है ये आपका किसका होता है बेटा, इंटीग्रेशन का। ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? और उसके बाद ये जो स्मॉल डी लिखा है ना बेटा, ये किसका साइन होता है बेटा आपका, डिफरेंशिएशन का। हाँ या ना बच्चे? उसी तरीके से ये वाला साइन किसका हो गया बेटा, इंटीग्रेशन का, और ये स्मॉल डी बेटा किसका हो गया बेटा आपका, डिफरेंशिएशन का। इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? अब देखो कभी आपका कुछ ऐसा केस आ जाए, इंटीग्रेशन डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, उस केस में आप इंटीग्रेशन को कैंसिल कर सकते हो डिफरेंशिएशन के साथ। ये बात समझ में आ रही है? अगर कभी आपको ऐसा केस मिल जाए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ में लिखा मिल जाए, तो उस केस में आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, इसको डिटेल में हम मैथ्स में समझेंगे, बट अभी इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आप लोगों के लिए काफी है। उसी तरीके से देखो यहां पे आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब आप ये इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना बेटा मेरा, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और यहां डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा, कैंसिल आउट कर दूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसी तरीके से आरएचएस में देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये डिफरेंशिएशन का साइन, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा देखो, माइनस का साइन ये वाला, और मेरा क्या बचा बेटा, मेरा सी बचा। और सी की लिमिट कहां कहां तक है बेटा, सी की लिमिट है सी नॉट से सी टी तक। इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो मेरे पास रेट कांस्टेंट तो एज इट इज, उसके बाद मेरे पास टी, और टी की लिमिट कहां कहां तक है बेटा, 0 से t तक। Is that clear? अब देखो इस केस को आप कैसे सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेटा कुछ ऐसे x, और x की वैल्यू है बेटा मान लो यहां पे z1 लोअर लिमिट और z2 अपर लिमिट। तो इसको आप ऐसे करोगे बेटा, x में एक बार अपर लिमिट डालोगे बच्चे, एक बार आपने x में अपर लिमिट डाली बेटा, और उसके बाद इसको माइनस करा एक बार जब एक्स में आप लोअर लिमिट डालोगे। इसका मतलब देखो मैंने क्या बोला, एक बार बेटा एक्स में अपर लिमिट डालो, तो एक्स में अपर लिमिट डालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, Z2। बिल्कुल। माइनस जब एक्स में एक बार लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट कितनी बेटा, Z1। तो इसका आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स की जब लिमिट डाली आपने Z1 से Z2, आपका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, Z2 माइनस Z1। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? उस तरीके से आप अब इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस साइन रखो, एक बार इस सी में
अपर लिमिट डालो और एक बार लोअर लिमिट डालो और दोनों को माइनस कर दो। तो सी में एक बार अपर लिमिट डाली, एक बार लोअर लिमिट डाली और दोनों को क्या करा बेटा आप लोगों ने, माइनस कर दिया। उसी तरीके से बेटा ये रेट कांस्टेंट के बाहर आएगा, उसके बाद इस टाइम में एक बार अपर लिमिट डालोगे और एक बार लोअर लिमिट और दोनों को क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो माइनस ऑफ अपर लिमिट कितना था बेटा, सी टी, तो लिखो बेटा सी टी माइनस लोअर लिमिट कितना था बेटा, सी नॉट, तो लिखो बेटा सी नॉट इक्वल टू के, उसके बाद टाइम की अपर लिमिट कितनी थी बेटा, स्मॉल टी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना था बेटा, जीरो। तो यहां से आपकी क्या वैल्यू आएगी बच्चे, यहां से आपकी क्या वैल्यू आएगी देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहां से आएगी, अब इस ब्रैकेट को ओपन अप करो, माइनस सी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, ये आपकी फाइनल वैल्यू आई बच्चे। देखो आपने ब्रैकेट ओपन किया, आपकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस सी टी, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस सी नॉट इज इक्वल टू के टी। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो माइनस सी टी को आप बच्चे कहां ले जाओ, आरएचएस में, और के टी को ले आओ बेटा यहां पे एलएचएस में। तो यानी कि फाइनल आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सी टी विल इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, यही बनेगा बच्चे, हाँ है ना, माइनस सी टी, सॉरी माइनस कितना आएगा बेटा, माइनस के टी आएगा, माइनस के टी, ठीक। अब यहां पे सी टी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, बिल्कुल सही बात। के क्या है बच्चे यहां पे, के बच्चे यहां पे रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात। टी क्या है बच्चे यहां पे टाइम, और यहां पे सी नॉट क्या है बेटा, सी नॉट है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। ये बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारी थी जीरो ऑर्डर की, जो हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन को पूरा डिराइव किया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आया होगा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।